एक और जिज्ञासा एक व्यक्ति ने आई थी नाथ संप्रदाय के बारे में। नाथ संप्रदाय के बारे में उन्होंने एक शब्द लिखा था, मिसोजिनिस्ट। अब ये मिसोजिनी जो है, इसको हम कैसे ट्रांसलेट करें? क्यों, अगर हम मिसोजिनी को ये कहते हैं कि नारी से घृणा करने वाला, तो सारे सन्यासी इसी में आ जाएंगे, सारे सन्यासी मिसोजिनिस्ट हो जाएंगे जितने भी हैं। नाथ संप्रदाय कई चीज़ों के साथ मिल गया है, तंत्र के साथ भी मिल गया है नाथ संप्रदाय। और तंत्र में तो पूजा ही शक्ति की होती है, नारी की होती है। तंत्र के अंदर तो नाथ संप्रदाय वालों ने अपने आप को शाक्त के साथ भी मिला लिया, तो मिसोजिनिस्ट नहीं कह सकते। अगर हम मिसोजिनिस्ट का ये अर्थ लगाएं जो हमारे वक्ता ने जो जिन्होंने जिज्ञासा किया, तो सबसे बड़ा मिसोजिनिस्ट तो ईसा मसीह को कहेंगे हम, ठीक है, उन्होंने विवाह ही नहीं किया औरत से, तो क्या हमको मिसोजिनिस्ट कहेंगे उनको? सन्यासी को औरत का साथ नहीं करना चाहिए, ये सारे सन्यासियों पे लागू होती है। नारी की झाई परे अंधो होत भुजंग, कबीरा तिनकी कई गति जो नित नारी के संग। ये सन्यासियों के लिए, गृहस्थियों के लिए नहीं है। तो कबीर कह रहे हैं कि जो औरत, जो सन्यासी होकर के और स्त्रियों का साथ करते हैं, स्त्रियों को साथ लेकर के घूमते हैं, वो तो सांप से भी ज़्यादा अंधे हो गए होंगे अब तक, या वो सांप से भी ज़्यादा जहरीले हैं कि अभी तक नारी का होता हुआ साथ भी और अभी अंधे नहीं हुए। तो इतने जहरीले हैं, इतने जहरीले हैं कि नारी की परछाई के पड़ने के बाद भी अभी, इसका मतलब बहुत जहर के अंदर, बड़े जहरीले लोग हैं। तो सभी सन्यासियों को नारी से दूर रहना चाहिए, ये सन्यास का एक लक्षण है। नारी प्रमादा है, नारी कामनी है, इस तरह की बातें सन्यासियों के लिए कही गई हैं, गृहस्थियों के लिए नहीं है। गृहस्थी तो गृहस्थी में रहेगा, लेकिन सन्यासी जब नारी से दूर रहेगा, संगात संजायते कामा, कामात क्रोध अभिजायते, आदमी जिसका संग करता है उसको प्राप्त करने की इच्छा, ये स्वाभाविक है। अगर वो नारियों के संग रहेगा तो नारी के साथ उसको प्राप्त करने की इच्छा हो जाएगी, तब गृहस्थी बन जाएगा वो। तो इसको हम मिसोजिनी नहीं कह सकते, हम इसे मर्यादा कह सकते हैं। मिसोजिनिस नहीं है ना ये जो है नाथ संप्रदाय के लोग, हम इसे कहेंगे उन पर सन्यासियों की मर्यादा ये लागू होती है कि वो नारियों सन्यासी बन गए तो स्त्रियों से बच करके रहेंगे। जो सन्यासी स्त्रियों के बीच में रहेगा उसकी कबीरा तिनके कई गति जो नित नारी के संग, जो सन्यासी होकर के नारियों के संग रहेगा वो तो फिर बिल्कुल अंधा ही हो जाएगा, उसकी आत्मा भी अंधी हो जाएगी। तो मिसोजिनिस्ट का शब्द हम लूजली हर एक पर लागू नहीं कर सकते, हम ये कहेंगे कि मिसोजिनिस्ट नहीं है नाथ संप्रदाय के लोग, मिसोजिनिस्ट नहीं है नाथ संप्रदाय के लोग, एक मर्यादा में रहना चाहते हैं, सीमा में रहना चाहते हैं कि औरत से अगर बच करके नहीं रहोगे तो फिर गृहस्थी बन जाओ, फिर क्या, फिर तो शादी कर लो, गृहस्थी में रहो, और सन्यासी बन गए हो तो फिर औरत से बच करके रहो। तो मिसोजिनिस्ट नहीं कह सकते हम, मिसोजिनिस्ट अब कहना है तो किसी को भी हम क्रिटिसिज्म के रूप में, तो उस रूप में कहेंगे तो जैसे मैंने कहा कि उस रूप में तो हम कहेंगे ईसा मसीह में सबसे ज़्यादा मिसोजिनिस्ट थे, 13 चेले थे, एक भी चेली नहीं रखी उन्होंने, एक भी नारी अपने साथ नहीं रखी, नारी का संग नहीं लिया उन्होंने कहीं भी। यह हम मुसलमानों में भी कहेंगे कि अल्लाह ने इतने फरिश्ते पैदा किए, हर सितारे पर एक फरिश्ता बैठा हुआ, लेकिन कोई भी औरत नहीं है, एक भी फरिश्ता औरत नहीं है, तो क्या अल्लाह को हम कहेंगे अल्लाह मिसोजिनिस्ट है? तो मिसोजिनिस्ट का शब्द हर एक पर लागू नहीं किया जा सकता, नाथ वालों पर भी नहीं लागू किया जा सकता। ये कह सकते हैं कि नाथ वालों ने सन्यास की मर्यादा निभाई, नारी के आकर्षण में नहीं आए, क्योंकि दो चीज़ें ऐसी हैं,
कनक और कामनी कैड़ो फंदा संग ना छोड़ो जाए। सोना और कामनी का मतलब यंग नौजवान औरत हो और सोना पड़ा हुआ हो तो दुनिया में कौन सा आदमी है जो छोड़ देगा उसको? वही छोड़ सकता है जिसकी बड़ी साधना हो। एक नहीं 50 नारियां भी सामने खड़ी हों तब भी उसका मन विचलित नहीं होगा। वो वही आदमी है जिसने साधना अपने ऊपर इंद्रियों पर काबिल किया हुआ है। तो नाथ लोग जो इसी बात पर जोर देते थे कि अपनी इंद्री पे काबू करके रखो, इंद्रियां मतलब शरीर की जो सेंस ऑर्गन्स हैं उन पर करके रखो, कितना ही बड़ा आकर्षण आ जाए, कितनी बड़ी नारी आ जाए, इसकी अपने कहानियाँ बहुत सारी हैं। अर्जुन की कहानी तो बहुत ही प्रसिद्ध है। तो नारी की झाई से बचने के लिए एक ही तरीका है, साधना। और साधना को मिसोजिनी नहीं कह सकते, साधना तो आत्मा का उत्थान है। तो नाथ लोग मिसोजिनिस्ट नहीं थे, उन्होंने अपने अंदर इतनी साधना की थी कि नारी का आकर्षण उन्हें खींच नहीं सकता था। बाकी जब ये नाथ लोग मिल गए, इनका नाथ शाक्तों के साथ इनका मिलन हो गया, तो शाक्तों में तो पूजा ही नारी की होती है, वहाँ पुरुष की तो पूजा ही नहीं, सारी नारियाँ ही नारियाँ हैं। चाहे दुर्गा के रूप में हो, चाहे योनि हो उसकी पूजा हो रही है, चाहे काली के रूप में हो, चाहे और किसी रूप में हो। तो हम इसलिए नाथों को मिसोजिनिस नहीं कह सकते किसी तौर से भी, ये शब्द उन पर लागू नहीं होता।